आज सुबह से मेरे दफ्तर पे और कुछ अन्य स्थानों पे सीबीआई रेड मार रही है। सुबह जब मुझे पता चला तो मुझे काफी आश्चर्य हुआ कि जिसको पूरा देश सबसे ईमानदार पार्टी मानता है और शायद जिसको पूरा देश सबसे ईमानदार कैबिनेट मानता है, उनके ऊपर आखिर सीबीआई ने रेड क्यों मारी। पूरा दिन की घटनाओं के बाद ये कहा जा रहा है कि ये रेड मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र जी के पुराने कुछ 2007-2008 से संबंधित, उन्होंने कुछ ठेके दिए थे उनसे संबंधित ये रेड है। मुझे ये सरासर झूठ नजर आ रहा है। वो इस वजह से नजर आ रहा है कि 2007 और 2008 से संबंधित, 2007 से 2014 कह रहे हैं शायद, ये लोग कह रहे हैं कि राजेंद्र जी एजुकेशन सेक्रेटरी थे, वैट कमिश्नर थे, आईटी सेक्रेटरी थे और भी कई डिपार्टमेंट्स थे, और जहां जहां वो गए उन्होंने वहां वहां किसी एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए ठेके दिए। हमारी सरकार, हमारी पार्टी भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ है। कल को अगर मेरे बेटे के खिलाफ भी सबूत मिलेंगे मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, सबसे पहले मैं उसको जेल भिजवाऊंगा। लेकिन जो कार्रवाई हो रही है, मुझे नहीं लगता वो उन ठेकों की जांच के लिए कार्रवाई हो रही है, क्योंकि अगर एजुकेशन सेक्रेटरी रहते हुए राजेंद्र जी ने गलत ठेके दिए 2007 में, तो आज सीबीआई को एजुकेशन डिपार्टमेंट पे भी तो रेड मारनी चाहिए थी। 2007 की उस ठेके की फाइल कहाँ है? वो मुख्यमंत्री के दफ्तर में नहीं है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड रूम में है। अगर वैट कमिश्नर रहते हुए राजेंद्र जी ने गलत ठेके दिए तो वो वैट डिपार्टमेंट की फाइल कहाँ है जिसके जरिए वो ठेके दिए गए? वो वैट डिपार्टमेंट की फाइल, वैट की फाइल वो वैट डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड रूम में है। एजुकेशन डिपार्टमेंट पे रेड नहीं मारी, वैट डिपार्टमेंट पे भी रेड नहीं मारी, उनसे फाइलें भी नहीं मांगी। जिन ठेकों की ये बात कर रहे हैं उन ठेकों की फाइलें अभी तक दिल्ली सरकार से मांगी नहीं गई हैं। उन्होंने कहा कि आईटी सेक्रेटरी रहते हुए उन्होंने ठेके दिए, तो आईटी डिपार्टमेंट पे भी रेड नहीं मारी उन्होंने, मुख्यमंत्री के दफ्तर में रेड मारी है। मुख्यमंत्री के दफ्तर में 10 या 15 दिनों से ज्यादा पुरानी फाइलें नहीं होती हैं। मुख्यमंत्री के दफ्तरों, दफ्तर के अंदर फाइलें मेंटेन नहीं होती हैं। अलग अलग विभागों से फाइलें आती हैं, मैं साइन करता हूं, फाइलें वापस उस विभाग में चली जाती हैं। मुख्यमंत्री के अगर 2007 से 2014 के बीच के ठेकों की ये जांच कर रहे थे तो मुख्यमंत्री के दफ्तर में तो वो फाइलें मिली नहीं सकती, वो तो पुरानी फाइलें हैं, वो पुराने उस डिपार्टमेंट के अंदर हैं। तो मुख्यमंत्री के दफ्तर के अंदर वो कौन सी फाइलें ढूंढ रहे थे, पहली चीज। तो इसका मतलब इनकी मंशा पुराने ठेकों को जांच करने की नहीं है। जितनी जगहों पे इन्होंने वो मारे हैं वहां वो पुराने ठेके नहीं मिलने वाले। पुराने ठेके जो जिनकी ये कह रहे हैं हम जांच कर रहे हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है फाइल में, वो वहां पे वैट डिपार्टमेंट में, आईटी डिपार्टमेंट के अंदर है। दूसरी चीज, अगर ये वो ठेके दिए गए थे तो सरकार के अंदर ठेके एक आदमी नहीं देता, नीचे से फाइल चलती है, उसके ऊपर डिप्टी सेक्रेटरी साइन करता है, स्पेशल सेक्रेटरी साइन करता है, फिर सेक्रेटरी साइन करता है, फिर मंत्री भी साइन करता है। उनको क्यों नहीं रेड मारी, उनसे भी तो पूछताछ होनी चाहिए, जो उस वक्त के डिप्टी सेक्रेटरी थे, उस वक्त के स्पेशल सेक्रेटरी थे, उस वक्त के मंत्री थे शीला जी की कैबिनेट के अंदर, जो भी उस टाइम का एजुकेशन मिनिस्टर था, जो भी उस टाइम का फाइनेंस मिनिस्टर था, जो भी उस टाइम का आईटी मिनिस्टर था, उसके यहाँ रेड नहीं मारी, उससे नहीं पूछा कि भाई साहब आपके समय में ये राजेंद्र जी ठेके दे रहे थे, आप क्या कर रहे थे? उनके भी तो फाइल होंगे साइनों पे, उनके भी तो साइन होंगे फाइलों पे, उनके यहाँ रेड नहीं मारी। मंत्रियों के, शीला दीक्षित जी की कैबिनेट के जो मंत्री थे जिन्होंने मान लो ठेके गलत दिए गए थे, गलत दिए, फांसी पे टांग दो, सबको टांग दो, शीला जी के मंत्रियों के साथ आपकी क्या दोस्ती है अगर ठेके गलत थे? उनको क्यों नहीं किया?
उस वक्त का स्पेशल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, फलाना सेक्रेटरी, ढिमका सेक्रेटरी, वो उसको क्यों नहीं किया? मकसद उन ठेकों की जांच करने का नहीं है, मकसद केजरीवाल है। राजेंद्र तो सिर्फ बहाना है, केजरीवाल निशाना है। तो आज वो क्या कर रहे थे, सुबह से सीबीआई आके मेरे दफ्तर के अंदर सारी फाइलें जांच कर रही है, सारी फाइलें, पिछले 10-15 दिन की फाइलें आई हुई हैं जिनको मुझे साइन करना है, वो सारी एक 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 फाइल खोल खोल के देख रही है। क्यों देख रही है? सीबीआई आज मेरे दफ्तर में क्यों आई है, कौन सी फाइल ढूंढ रही है, ये मेरे को बताना जरूरी हो गया है। कौन सी फाइल ढूंढने के लिए आए हैं सीबीआई वाले? ये फाइल है डीडीसीए की फाइल, जिसके अंदर अरुण जेटली फंस रहे हैं। अरुण जेटली पिछले कई सालों से प्रेसिडेंट है डीडीसीए के, और डीडीसीए के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ है अरुण जेटली के रहते हुए, उसकी मैंने जांच कमेटी बिठाई थी, उसकी रिपोर्ट आ गई है, और उसके ऊपर अब कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठने वाला था जिसकी फाइल मेरे दफ्तर के अंदर है। उनको अरुण जेटली जी की फाइल ढूंढने के लिए आए थे ये, इनको कोई लेना देना नहीं है। अरे राजेंद्र ने क्या ठेके दिए थे? अरे राजेंद्र ने ठेके दिए थे अगर 2007 में, तो 2015 तक क्या कर रहे थे मोदी जी? आपकी सरकार आए हुए तो बहुत दिन हो गए, अब 2015 तक आपने, मैं आपको बता दूं मोदी जी, आपने दूसरों को तो डरा दिया सीबीआई से। केजरीवाल नहीं डरने वाला, आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बनाऊं। केजरीवाल नहीं डरने वाला, आखिरी सांस तक मैं मर मिटूंगा, देश के लिए लड़ता रहूंगा। लेकिन और मैं मोदी जी के इन सीबीआई और टुटपंजियों से और इन गीदड़ भभकियों से नहीं डरने वाला, मैं ये उनको साफ साफ कह देना चाहता हूँ। जहां तक कहना शब्दों का चयन ठीक से नहीं किया, अरे तुम्हारे तो कर्म फूटे हैं, मेरे तो शब्द खराब होंगे। मैं तो गांव का सिवानी में पैदा हुआ था, हिसार के पास एक गांव है मेरा, हो सकता है मेरे शब्द खराब हो। तुम्हारे तो कर्म खराब हैं, तुम अपने कुकर्मों की माफी मांगो देश से, मैं अपने शब्दों की माफी मांगूंगा देश से।